नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल फायर एंड सेफ्टी नॉलेज में। तो मैं आज आपको बताऊंगा डीवी सिस्टम क्या है। जो फायर डीवी सिस्टम है, डेलुजबाल जिसका पूरा नाम होता है, डेलुजबाल बोलते हैं डीवी को। तो यह क्या है, कैसे काम करता है, क्यों लगाया जाता है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसको ऑटो में कैसे करते हैं, इसको मैनुअल में कैसे करते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है, अगर इमरजेंसी फायर हुई तो क्या यह अपने आप से ऑटोमेटिक ऑपरेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या हमें ऑपरेट करना है तो कैसे करेंगे, या क्या 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 है, सभी जानकारी आपको डेलुजबाल के बारे में बताऊँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा डीवी सिस्टम लगा हुआ है। देखिए इसमें तीन लाइन होती हैं। देखिए ये है, ये देखिए मेन लाइन, जो पानी आया है ये है मेन लाइन, आप देख सकते हैं जो पहली वाली होती है मेन लाइन है। इसके बाद जो बगल से जाती है ये प्राइमिंग लाइन, सॉरी ये बाईपास लाइन, जो ये बगल से जाती है बाईपास लाइन, और जो बीच वाली है पतली वाली ये है प्राइमिंग लाइन। और ये देखिए हमारा व्हील, मेन वाल का व्हील, मेन लाइन का व्हील, और ये प्राइमिंग लाइन है जो उसका ये बाल। देखिए हम इसको, ये डीवी है हमारी, तीन तरीके से ऑपरेट हो सकती है। एक तो क्यूबीडी बल्ब लगा हो तो क्यूडी बल्ब फूट कर, या एलएचएस वायर जो भी लगा हो उसमें शॉर्ट सर्किट होने से तो ऑपरेट हो सकती है। और दूसरा चीज देखिए, ये है हमारा नो बल्ब, इससे भी अपन लोग ऑपरेट कर सकते हैं। इसको ऐसे ही वन करेंगे तो ऐसे ही पानी आएगा और हमारी डीवी ऑपरेट हो जाएगी, इसको नो बल्ब बोलते हैं। और तीसरे ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे अगर आपकी डीवी ऑटो में है, सॉरी मैनुअल में है, यानी बंद है, और इमरजेंसी फायर होगी, आपको जल्दी ही इसको ऑपरेट करना है, तो आप सीधा जो बाईपास लाना है उसका बाल्ब खोल के और डायरेक्ट आप सीधा डायरेक्ट पानी पहुंचा देते हैं वहां पे। देखिए नो, मैं जो आपका मेन चीज़ है, जो एलएचएस केबल होगी या फिर एलएचएस होगी और या फिर आपका क्यूबीडी बल्ब, उससे ऑपरेट हो सकता है, जैसे ही वहाँ पर सेंस करेगा डायरेक्टर लगे हुए हैं। इसके बाद अपन नो बाल से इसको ऑपरेट कर सकते हैं और ये अपना बाईपास लाइन से कर सकते हैं। ये देखिए प्राइमिंग लाइन प्रेशर गेज और ये है मेन लाइन प्रेशर गेज। ये है हमारी गोंग बेल जिसको घंटी बोलते हैं, जैसे ऑपरेट होगी तो ये आवाज देगी। तो अपन लोग तीन तरीके से इसको देखिए ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए अभी हमारी डीवी ऑटो में है, ये ऑटो में जैसे ही इमरजेंसी फायर अगर होती है तो ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगी। जैसे ये देखिए, जैसे ये हमारी डीवी है, ये मैनुअल में है, जैसे मैनुअल में देखिए प्रेशर भी 0-0 है, यानी यहाँ पर कोई पानी नहीं जा रहा। अगर फायर हो जाती है तो हम, और हमें चालू करना है डीवी मैनुअल में, नहीं बंद पड़ी है तो हम जल्दी तो कर नहीं पाएंगे, जब इसको यहाँ से ऑटो में डालेंगे, जब ऑटो में डालने के लिए हमको यहाँ से पूरा वो करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, इमरजेंसी में जो बाईपास लाइन होती है इसका ये बाल खोल देना है और डायरेक्ट में पानी चला जाएगा। अब देखिए इसको हमको, जैसे डीवी अभी मेरी ये कैसी है, ऑटो में है, अब हमको उसको मैनुअल में करना है तो कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले मैनुअल में करना है डीवी, सबसे पहले जो हमारी प्राइमिंग लाइन होती है जो इसका बाल्ब है, इसको बंद करना है। इस बाल्ब को बंद करने के बाद उसके 4-5 सेकंड बाद जो व्हील है इसको घुमाना है पूरा, जब तक घुमाना है तब तक ये जो निकला हुआ है अंदर न चले जाए। जैसे ही अंदर चला जाएगा और टाइट हो जाएगी और हमारी डीवी मैनुअल में हो जाएगी। और जैसे ही देखिए अभी ऑटो में मैनुअल में होगी तो ये जो प्रेशर है ये 0 बताने लगेगा। तो चलिए मैं इसको मैनुअल में करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो डीवी ऑटो में थी वो मैनुअल में हो चुकी है। अब जैसे ही मैनुअल में हो चुकी है तो ये बंद हो गई है। तो देखिए जो हमारा प्रेशर है वो 0-0 बताने लगा है, आप देख सकते हैं प्रेशर 0-0 बता रहा है। तो ये बंद हो गई है। अब इसको हमको अगर ये जैसे मैनुअल में ऑटो में डालना है तो क्या करना पड़ेगा। देखिए तो सबसे पहले जो हमारा ये प्राइमिंग लाइन है इसका जो बाल्ब बंद है इसको चालू करना पड़ेगा। इसको चालू करने के बाद भील को पूरा निकालेंगे, चलिए हम निकालते हैं फिर बता दो थोड़ा। तो आप देख सकते हैं हमारी डीवी जैसी मैनुअल में थी उसको ऑटो में कर दिया, जो मैंने बाल्ब बंद किया था वो चालू कर दिया,
और ये हमारा भील का वो निकल आया है, तो ये ऑटो में हो गई। अब इसके चलिए हम दिखाते हैं जो QVD बल्ब लगे हुए हैं वो दिखाते हैं, और इसके जो नोजल हैं जहाँ पर एक काम करेगी, जहाँ पर फायर होगी इसका पानी वहाँ पर जाएगा, तो वहाँ पर चलते हैं आपको बताते हैं कि यहाँ इसके नोजल क्या हैं। DB में जो था मैंने पूरा जानकारी बता दिया। अगर आपको ऐसे ही हमारी फायर से रिलेटेड और भी वीडियो से जानकारी चाहिए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं ऐसे ही फायर से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसकी जो नोजल लगे हैं वो कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं। देखिए जो हमारे फायर नोजल लगा हुआ है इसमें देखिए QVD लगी हुई है, ये आपको दिख रहा है पीला वाला छोटा सा, ये QVD है। जैसे ही 79 टेम्परेचर यहाँ पे होगा ये इस ट्रांसफार्मर में, तो ये QVD बल्ब लगा हुआ है देखिए दिख रहा है आपको, ये फूट जाएगा। जैसे ही ये फूटेगा और हमारी DB ऑटोमेटिक जो ऑटो में है वो ऑपरेट हो जाएगी और यहाँ पे जो फायर लगी होगी वो उस पर कवर कर सकती है और उस पर काबू पा सकती है। ये था पूरा DB सिस्टम। अगर आपको हमारी यह DB डेलिज वाल सिस्टम की वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही फायर से रिलेटेड अन्य नई नई वीडियो लाता रहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ न्यू वीडियो में।